हेलो फ्रेंड्स, आज हम किचन में डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स बनाएंगे, जिसमें आज मैं बना रही हूँ गुलकंद चॉकलेट, ड्राई फ्रूट चॉकलेट एंड मार्बल चॉकलेट। तीन अलग अलग कलर्स हैं मेरे पास, पिंक, वाइट एंड डार्क ब्राउन। इसे हम खाने में तो स्वाद है ही, हम अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं। अगर आप इसको गिफ्ट करना चाहें तो बहुत अच्छा गिफ्ट पैक हो सकता है, मैं आपको इसको गिफ्ट पैक करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। ये वाइट चॉकलेट है और ये कंपाउंड डार्क चॉकलेट मेरे पास है। तो इससे आज हम राखी के त्योहार पे बहुत तरह की चॉकलेट्स बनाएंगे। ये मेरे पास मोल्ड्स हैं, ये सिंपल मोल्ड है और ये सिलिकॉन मोल्ड है। तो हम इसको पहले चॉकलेट को हमारे माइक्रोवेव में, इसको मैं पिघला लेती हूँ, 30 सेकंड के लिए बहुत होता है। ये व्हाइट चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, 30 सेकंड में माइक्रोवेव में मेल्ट हो जाती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम आज बहुत तरह की चॉकलेट बनाएंगे, ड्राई फ्रूट चॉकलेट भी बनाएंगे, सिंपल चॉकलेट भी बनाएंगे, मार्बल और मुखवास चॉकलेट भी बनाएंगे। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है जो मैंने अभी यूज की थी, मैं इसको भी मेल्ट कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट भी मेल्ट मैंने कर ली है। अब मैं इसकी मार्बल चॉकलेट बनाती हूँ। जो ये मोल्ड होता है हमारा, इसको ग्रीस करना होता है और सिलिकॉन को हम ग्रीस नहीं करते, तो मैं हल्के से इसको ग्रीस कर लेती हूँ ताकि अनमोल्ड करें तो हमें डिफिकल्टी ना हो। ज़्यादा भी नहीं करते क्योंकि फिर वो मुंह में हमें गंदा गंदा लगता है जब ऑयल या जो भी घी से हम ग्रीस करेंगे। बहुत लाइट हाथ से हमें इसको ग्रीस करना होता है। चॉकलेट को मेल्ट करना जितना इजी है, इसमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है। वाइट चॉकलेट बहुत जल्दी बर्न हो जाती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसको 20 सेकंड पे हम मोल्ड करते हैं माइक्रोवेव में, इसको मेल्ट करते हैं सॉरी, और फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। गर्म चॉकलेट को हम यूज़ नहीं करते। ये मेरी चॉकलेट ठंडी हो चुकी है। तो मैं ये स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन है, ये सब फ्रूट्स डिज़ाइन है मेरे पास, तो इसमें मैं पहले स्पून से ही चॉकलेट डाल देती हूँ थोड़ी। और इसमें भी स्ट्रॉबेरी वाले में मैं स्ट्रॉबेरी चॉकलेट डाल देती हूँ। आधा हमने थोड़ा सा डालना है इसमें, ये इसके बाद मैं व्हाइट चॉकलेट इसके ऊपर डालूंगी। इसको मार्बल चॉकलेट कह सकते हैं हम। इसके बाद एक लेयर फिर मैं स्ट्रॉबेरी चॉकलेट की लगा देती हूँ। एक हम आज नई स्टाइल की चॉकलेट बना रहे हैं, जिसमें मैंने ये गुलकंद लिया है। इसको मैं किसी भी पान की दुकान से ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी यूनिक चॉकलेट बना रही हूँ मैं। थोड़ी सी सौंफ मिला देती हूँ मैं इसमें,
हाँ टूटी फ्रूटी हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा डेसिकेटेड नारियल। चॉकलेट के साथ नारियल का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अगर पान की पत्तियां डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और पान सॉस भी आती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सामान था मैंने आज वो ही ऐड किया है इसमें। ये किसका मैंने बैटर बना लिया है थिक। अब हम व्हाइट चॉकलेट लेंगे और थोड़ी थोड़ी हम मोल्ड में इसको ऐड करते जाएंगे। चॉकलेट को बनाने से पहले थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, अगर वो हम बातों का ध्यान रखेंगे तो चॉकलेट बहुत अच्छी सेट हो जाती है हमारी। एक तो नमी का ध्यान रखना होता है, मोल्ड या हमारी कोई स्पून जिस बाउल में चॉकलेट हम मेल्ट कर रहे हैं वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी है तो फिर चॉकलेट बनने में बहुत दिक्कत आती है। और चॉकलेट को डबल बॉयलर में भी हम कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो 30-30 सेकंड के स्पेंस पे उस पर कीजिए, हिलाइए उसको चम्मच से। अगर आपको लगता है कि और ज़रूरत है तो आप फिर से कर लीजिए, क्योंकि वाइट चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया बहुत कम होता है और ये जल्दी पिघल जाती है। ये जो मैंने गुलकंद की मिक्सचर बनाया था उसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लेती हूँ और इसमें रखती जाती हूँ। चाहे आप अलग से भी बना के उसको रख सकते हैं, साथ में भी उसको रख सकते हैं। ये वाली चॉकलेट तो बहुत ही यम्मी बनती है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। सब में ये मिक्सचर डाल दिया है, अब मैं एक लेयर व्हाइट चॉकलेट की और इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। डार्क चॉकलेट भी मैंने मेल्ट कर ली है माइक्रोवेव में 30 सेकंड पे। और आज हम बहुत ही कलरफुल डिफरेंट सी चॉकलेट बनाने वाले हैं। इसकी एक लेयर में है लगा देती हूँ इसके ऊपर। ये मैं इसको 2-3 बार टैप कर देती हूँ ताकि इसमें जो एयर बबल्स हों वो निकल जाएं, सेट हो जाए पूरी चॉकलेट हमारी। और जो ये बाहर आई है वो हम बाद में उससे इसको एडजस्ट कर लेंगे चाकू से। इसको या तो आप रेफ्रिजरेट कीजिए 15 मिनट के लिए, या आपको जल्दी है तो फ्रीजर में 5 मिनट्स के लिए रख दीजिए इसको सेट होना। मुझे जल्दी है इसलिए मैं इसको फ्रीजर में रख रही हूँ। सिलिकॉन मोल्ड में बना रहे हैं चॉकलेट को, तो मैं इसमें रख लेती हूँ इसको प्लेट में। हम ड्राई फ्रूट्स की भी बनाएंगे और मिक्स फ्रूट जैम से भी बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं एक लेयर तो चॉकलेट की लगा देती हूँ। ये भी फ्रूट्स का है मेरे पास, पाइनएप्पल शेप में है मोल्ड मेरे पास। ये आप किसी भी शेप में ला सकते हैं, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत तरह के मोल्ड्स आ रहे हैं। अब मैं इसमें एक साइड तो कैश्यू कर देती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है कैश्यू चॉकलेट भी। एक में मैं एलमंड्स डाल देती हूँ। आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं। एक में मैं वॉलनट डाल देती हूँ। और एक लेयर फिर मैं चॉकलेट के इसके ऊपर लगा देती हूँ। इसको हम टैप कर देते हैं
ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और इसको फिर वही फ्रीजर में मैं 4 से 5 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। चॉकलेट्स हमारी सेट हो चुकी है, मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ। सिलिकॉन की जो मोल्ड में हम करते हैं चॉकलेट को, वो तो बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाती है। ये हमारी आइस ट्रे है, तो जैसे हम आइस क्यूब्स निकालते हैं वैसे ही चॉकलेट डीमोल्ड हो जाती है। ये भी बहुत इजीली हो जाती है, कोई परेशानी नहीं आती इसमें भी। देखिए कितनी खूबसूरत चॉकलेट्स बनी है हमारी, और फ्लेवर तो इसका खाने पे ही आपको पता लगेगा। हर तरह की मैंने चॉकलेट बनाई है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये मेरे पास पेपर है, आप किसी को गिफ्ट रैप करना चाहें तो आप उसको वैसे भी दे सकते हैं, गिफ्ट पैक करके भी दे सकते हैं। ये मेरे पास एक बॉक्स है, मैं इसमें आपको किसी, आप आजकल तो बहुत अच्छी तरह की, बहुत सुंदर सुंदर तरह की बास्केट्स आती हैं, बकेट्स आती हैं, उसमें आप इनको पैक करके दे सकते हैं। बहुत प्यारे लगता है गिफ्ट, और जब हम किसी को अपने हाथ से बना के कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो वो अनमोल हो जाती है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। इस कोरोना काल में जहां हम कोई भी चीज बाजार से लेने में अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी भी नजदीकी रिश्तेदार को, भाई को, किसी को भी आप अगर ये चॉकलेट्स बना के देंगे तो वो बहुत ही खुश होगा, और आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने अपने हाथ से कुछ बना के दिया। मार्केट से तो हम हमेशा कुछ ना कुछ लेके दे सकते हैं किसी को, लेकिन हाथ से बना के देने की चीज की बात ही अलग कुछ है हमारी। तो आप बहुत इजी वे में इसको बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर पैक हुई है ये हमारा अनानास, और इजीली बन जाती है। अगर आपको मेरी चॉकलेट्स वाली रेसिपी पसंद आए और आप बनाना चाहें तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।